फ्रेंड्स फिल्मी मिस्टेक्स है, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, कोई भी इसे पर्सनली ना ले। सब्सक्राइब आवर चैनल। हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मूवी के स्टार्टिंग 5 मिनट का ये पहला मिस्टेक्स है। इस बच्चे को मालूम नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे बोला गया वैसे ही कर रहा है। आगे देखिए, हाथी भाग रहा है लोगों को मारने के लिए और इन लोगों को हंसी आ रहा है। अरे कैसा यार, जब हाथी भाग रहे तो हंसी कैसे आता है। इस सीन में बंदा ऐसे मुंह कर रहा है जैसे कि क्या स्कूल या कॉलेज में होता है। एक्टिंग का पूरा शौक है इसका। इसके आगे देखिए, बच्चा को खूनों खून निकल गया। अगले ही शॉट में जब बाहुबली रावण का जला रहा था तो बच्चा देखिए पूरा का पूरा सही है। कैसे, वाई एक्सप्लेन। सीन को गौर से देखिए, यहाँ कड़प्पा बाहर खड़ा है, बाहर से जाता हुआ दिख रहा है। अगले ही सीन पे जब ये लोग बाहर जा रहे हैं, कड़प्पा घर के अंदर से निकल रहा है। महारानी के पाँव में खून के निशान है, लेकिन अगले ही सीन पे जब उसे लेटा हुआ रहता है तो पाँव में कुछ भी निशान नहीं है, पाँव पूरा बिल्कुल ठीक हो गया है। इस सीन को देखिए, बाहुबली के एक हाथ में तलवार है, दूसरा हाथ पूरा खाली है। अच्छी तरह से देख लीजिए, पूरा खाली है। जब कैमरा एंगल चेंज होता है के बाद ही इसके हाथ में कुल्हाड़ा आ जाता है। वाह, क्या निशाना है। इस सीन में बाहुबली जब नदी के पास आए थे, नदी पूरा खाली था, लेकिन जब ये पानी में हाथ घुसाता है एक लाश आ जाता है। उसके बाद ही खड़ा होने के बाद लाशें ही लाश चारों तरफ छा जाता है। तो ये लाश कहाँ थी, पहले से मरे हुए थी तो पहले क्यों नहीं दिखाया था। ये लाशें क्या बाहुबली को देख के ही ऊपर आया है, शायद हो भी सकता है। इस सीन में इसके एप्स का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन फिल्म के एंड में अच्छी तरह से आ जाता है। इस सीन में देवसेना ने तलवार से चादर को काटा है। कटने के बाद इस चारों को क्या हुआ है, उलटबाजी मारने लगा है। तलवार ज्यादा से ज्यादा एक को ही लग सकता है, लेकिन ये लोग ओवर एक्टिंग कर रहा है। इस सीन में तो बोनस बनता है, और ये सब बाहुबली को दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि ये बाहुबली की तरफ ही दिख रहा है।